94.3 माय एफएम आप सुन रहे हैं मेरे यानी नेटी के साथ माय मनी गुरु व्हिच वाज ब्रॉट टू यू बाय फिनवेशिया एंड फॉर दोज ऑफ यू हु थिंक वेयर इज मीनाक्षी बिकॉज़ शी इज द वन हु ऑलवेज डज दिस शो वेल गाइस वी आर एट द ग्रैंड फिनाले ऑफ माय मनी गुरु फॉर दिस सीजन एंड नाउ वी आर गोइंग टू क्विज मीनाक्षी टुडे वी आर गोइंग टू सी हाउ मच शी इज लर्नड ओवर लास्ट 13 वीक्स मीनाक्षी यू रेडी फॉर इट I am ready. Yeah, जैसे कि आपको नाटी ने बताया सुनिया माय मनी गुरु शो विच इज ब्रॉट बाई फिनवेशिया यस हम फिनाले पे हैं ऑफ सीजन वन माय मनी गुरु एंड ये अब मुझसे क्विज करने वाले हैं सो ओके नाटी आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस पूछे क्या पूछना चाहते हैं परफेक्ट मीनाक्षी सो वेरी सिंपल एंड द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर समवन हु डज नॉट नो अबाउट द स्टॉक मार्केट जिसे कुछ पता नहीं है स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है या किसी ने इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट छोड़े इन जनरल पैसा सेव करना इन्वेस्ट करना है व्हाट आर द बेस्ट वेज टू डू दैट पैसा सेव करने का मतलब पैसा कम करना नहीं होता बल्कि ये होना चाहिए कि पैसा बढ़ना चाहिए राइट और जब जरूरत हो तो वो पैसा आपको अवेलेबल भी होना चाहिए है ना तो सबसे पहले सेव करना हो तो वहां करो जहां आप महंगाई को बीट कर सको तो ऑप्शंस फिर क्या क्या बचते हैं हमारे पास ऑप्शंस हैं स्टॉक मार्केट या फिर प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो जब आपको पैसा चाहिए हो तब एकदम से आपको नहीं मिलेगा टाइम लग जाएगा तो फिर क्या ऑप्शन बचा स्टॉक मार्केट और ऐसा ज्यादातर सोच रहती है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा सिर्फ डूबता है लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर 20 साल पहले 1 लाख रुपए आपने डाला होता स्टॉक मार्केट में तो आज वो 18 लाख रुपए होता एम आई राइट परफेक्ट क्या बात है सो अगर ये कहते हुए मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इंश्योरेंस करनी चाहिए पर एंडाउमेंट पॉलिसी या कोई भी ऐसी पॉलिसी जिस पर मैनेजमेंट फीस चार्ज होती हो वो हमें नहीं करनी चाहिए सो क्या कहेंगे आप मेरी इन्फॉर्मेशन के बारे में मीनाक्षी दैट इज अमेजिंग तो मतलब गुरुदेव ये आप ही से सीखा है बहुत बहुत धन्यवाद वेल यस ये मैंने सब कुछ सीखा है माय मनी गुरु इस शो पर अमेजिंग अमेजिंग शो व्हिच इज ब्रॉट टू यू बाय फिनवेशिया एंड द को-फाउंडर ऑफ फिनवेशिया नेटी विद मी एंड यस आज हम हैं ग्रैंड फिनाले ऑफ सीजन वन ऑफ माय मनी गुरु पे लेकिन अभी मेरी क्विजिंग बंद नहीं हुई है अभी मुझसे और भी प्रश्नों की बौछार होगी थोड़ी देर में आप सुनते रहिए 94.3 माय एफएम जी अतुल से 94.3 माय एफएम आप सुन रहे हैं और आप सुन रहे हैं माय मनी गुरु ये शो और इसका आज ग्रैंड फिनाले है सीजन वन का ऑब्वियसली विल बी बैक विद अनदर रॉकिंग सीजन और मेरे साथ हैं वेल फिनवेशिया के को फाउंडर नेटी नेटी मेरी क्विजिंग चल रही है कि मैंने कितना कुछ सीखा मीनाक्षी आई थिंक यू लर्न अ लॉट यू मेकिंग मी सरप्राइज यार रियली ओके ब्रिंग इट ऑन ओके मीनाक्षी सो यू बेसिकली स्ट्रेस्ड ऑन द स्टॉक मार्केट कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसे रिटर्न मिलते हैं वैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करेंगे उसका फायदा क्या है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इट एंड व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इट ओके आई रियली थिंक कि स्टॉक मार्केट सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं है स्टॉक मार्केट सब कुछ है अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब कि अगर आप सोने में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट में सोना भी मिलता है जैसे कि पेपर गोल्ड और अगर आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है तो प्रॉपर्टी स्टॉक्स हैं जैसे कि डीएलएफ और जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस होती है वैसे स्टॉक मार्केट्स के लिए भी इंश्योरेंस आती है जिसे हम पुट ऑप्शंस बोलते हैं और जैसे अगर हम बात करें आपके फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर होने की तो अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो आप टैक्स अपना बचा सकते हैं राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम से आप टैक्स बचा सकते हैं राइट और अगर आप रेगुलर इन्वेस्टर हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से टैक्स आपका बच सकता है इसका मतलब तो क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जितने ऑप्शंस और जितनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको स्टॉक मार्केट में मिलती है ना उतनी कहीं भी नहीं मिलती है क्या कहेंगे आप मीनाक्षी दैट वाज अमेजिंग यू कवर्ड एवरी सिंगल पॉइंट दैट वी कुड एवर थिंक अबाउट स्टॉक मार्केट यू हैव टॉट मी एवरी सिंगल पॉइंट दैट कुड आई कुड एवर नो अबाउट द स्टॉक मार्केट सो थैंक्स टू यू मैन थैंक यू सो मच खैर अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं आप चाहते हैं कि आप भी ऐसे मीनाक्षी जी से इंटेलिजेंट हो जाए मैं अभी अभी हुई यार अभी धीरे धीरे सीख रही हूं और भी सीखूंगी सो वेल आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पे विच इज www.mymoneyguru.finvasia.com पे या फिर आप डायल कर सकते हैं एक नंबर इन्वेस्ट करने के लिए या फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है या रेगुलर इन्वेस्टर है तो डायल कीजिए ये नंबर 01726700 पे सुनते रहिए 94.3 माय एफएम मेरा क्वेश्चनिंग जारी है आरजे मीनाक्षी एंड नैटी के साथ जियो 94.3 माय एफएम आप सुन रहे हैं मेरे यानी आरजे मीनाक्षी के साथ एंड यस माय मनी गुरु ये शो आप सुन रहे हैं आज इसका ग्रैंड फिनाले है सीजन वन का वी विल बी बैक सून और मेरे साथ है फिनवेशिया के को फाउंडर नैटी जिनसे मैंने बहुत बहुत कुछ सीखा है गुरुदेव
मैं आपकी सीखी हुई शिष्या पे मैंने कितना कितना मैंने अमल किया बताएं मुझे. Actually, I think I'm actually super impressed. मतलब it's a perfect combination of beauty and brains in that respect. Wow, क्या बात है. Brains तो आपने थोड़े से ज़्यादा डाल दिए उनमें. Anyways, तो अब आप क्या पूछना चाहते हैं? पूछिए. अब तो मतलब मैं वो हो गई हूँ. I'm a pro at stock markets and investments. Perfect. So let me ask you a very selfish question over here. Selfish question. Okay. Yeah. Okay. So how do you open an account with Finvisia? Okay. It's very simple. अगर आप Finvisia के साथ account open करना चाहते हैं, all you need is आपके PAN card की copy और 3 months का आपका bank statement. That's all you need. That's it. इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए. And is there a minimum that you need to invest in the stock market? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. ऐसी कोई भी minimum requirement नहीं है कि इतना पैसा होना चाहिए तभी आप investment शुरू कर सकते हैं. Am I right? Perfect. क्या बात है. और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि Finvisia आपको प्रोवाइड करती है ऑनलाइन एक्सेस टू योर अकाउंट, जो कि जो भी आप अकाउंट खोलते हैं और आप अपना अकाउंट अपने आप मैनेज कर सकते हैं. यू कैन कीप अ ट्रैक ऑफ योर ट्रांजैक्शन एट ऑल टाइम्स. और सबसे अच्छी बात है कि देयर इज नो मैनेजमेंट फीस व्हिच इज चार्ज टू द क्लाइंट्स. दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट Finvisia. एम आई राइट? परफेक्ट. क्या बात है. अब अगले हफ्ते का जो ये ज्ञान बांटते थे ना नाटी जी, इस बार ये ज्ञान जरा आरजे मीनाक्षी बांटेगी. क्यों, क्या कहते हैं नाटी? I think that's the perfect way to look at it. Let's see, you know, how it goes. Yeah, let's see how it goes. Keep on listening this show, My Money Guru, which is brought to you by Finvisia. और ज्यादा जानकारी के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.mymoneyguru.finvisia.com पे, या फिर आप कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट नंबर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हैं. नंबर इज 01726700000 पे. सुनते रहिए माय एफएम मीनाक्षी के साथ. जियो दिल से. माई मनी गुरु शो. इस शो का ग्रैंड फिनाले, सीजन वन का ग्रैंड फिनाले. और अब हम लास्ट बार सीजन वन में बात करेंगे. आई एम गेटिंग अ लिटिल बिट इमोशनल. दैट्स हाउ आई एम. 94.3 माय एफएम आप सुन रहे हैं मेरे यानी आरजे मीनाक्षी के साथ. और हमारे साथ इस शो माई मनी गुरु पे, विच इज ब्रॉट टू बाय Finvisia, है Finvisia के को फाउंडर नैटी. नैटी, हम सवाल जवाब का सिलसिला यहाँ पे चल रहा है. आज मैं आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दे रही हूँ. सो या क्या पूछना चाहते हैं आप बताइए. Okay, man. Actually, whatever you said so far is something that we have discussed on the show. So let's go a little bit ahead of it. Uh-huh. Why don't you tell us about the next week? What do you think is going to happen in the stock market, and what should investors look out for? Oh my God, मतलब आपकी तरह जोची of stocks बनना है. So I will try. देखिए, नाटी, अगले हफ्ते की मैं prediction करने की कोशिश करूँ जैसे कि आप करते हैं. तो अगले हफ्ते जो सबसे important data है वो है HSBC Services PMI. इससे सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा currency market को. फिर Tuesday और वेडनेसडे को चाइना का सर्विस डेटा और ट्रेड बैलेंस डेटा आ रहा है. और इसमें सबसे ज्यादा जिसको फर्क पड़ सकता है वो है कॉपर या निकल को. इसीलिए कमोडिटी ट्रेडर्स को सबसे ज्यादा इसमें ध्यान रखना है. Meenakshi, that's amazing. I can't believe you know so much about the stock markets right now. सब आपसे ही सीखा है गुरुदेव. लेकिन आपको मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा और जो इससे सबसे ज्यादा अहम रिजल्ट आने वाला है वो है 2 हफ्ते बाद इलेक्शन रिजल्ट, जिससे कि स्टॉक मार्केट पे बहुत फर्क पड़ने वाला है. You rock. क्या बात है. यू नो आई रॉक एंड यू मेड मी रॉक ऑनेस्टली ऑन दिस शो. स्पेशली मेरी जो बहुत लिटिल नॉलेज थी नाटी, मैं ऑनेस्टली जो मुझे सुन रहे हैं इस समय चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, पंजौर, शिमला तक भी रेडियो स्टेशन ये हमारा माय एफएम सुना जाता है. तो मैं बताना चाहती हूँ सबको कि ऑनेस्टली मैंने इतना कुछ सीखा है इस शो पर, माय मनी गुरु पे आपके साथ. आई थिंक इट वाज अ ग्रेट जर्नी. इट्स नॉट जस्ट आई थिंक वी लर्न सो मच फ्रॉम यू एज वेल एंड वी आर अमेज्ड. आई मीन द होल जर्नी हैज बीन अमेजिंग बोथ एज प्रोफेशनली एज वेल एज पर्सनली. एंड वी आर गोइंग टू मिस यू नो कमिंग हियर ऑन संडेस. आई एम रियली गोना मिस सीइंग यू एवरी संडे नाटी. एंड आई एम गोना मिस दिस शो माय मनी गुरु. सीजन 2 में हम जल्दी दोबारा मिलेंगे. वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली विद द सीजन 2. यस, सीजन 2. सो यू गाइस चेक आउट एंड वेट फॉर सीजन 2. टिल देन हैव अ ग्रेट एंड रॉकिंग लाइफ टू यू नाटी. या एंड यू नो वी वुड से फॉर ऑल द पीपल हु इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, हैव अ हैप्पी ट्रेडिंग इन द इंटरिम. Absolutely. Thank you so much. Sundari 94.3 MyFM and RJ Meenakshi kehti hai bye bye, take care. Jio. Dil se.